Hello friends, I am Chandana and welcome you to our channel TrustLogics tutorial. TrustLogics is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters and get your jobs easily and quickly. You can make your profile as premium just by verifying your education and experience on our TrustLogics website and mobile app. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, ओके? सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज़ वॉच टिल एंड, ओके? सो लेट्स स्टार्ट. सो टुडेज़ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ Prime Minister Narendra Modi will be going for a two-day visit to which nation on March 26th? प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज 26 मार्च को किस देश जाने वाले हैं? So here are the options: Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Maldives. So here the correct answer is Bangladesh. PM Modi will be visiting the neighbouring country Bangladesh for 2 days on March 26, 2021 at the invitation of Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina. The two-day visit to Dhaka is in connection with the commemoration of 3 highly significant events, including Mujib Borsho, the birth anniversary of Sikh Mujibur Rahman. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश जा रहे हैं 2 दिन के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने उन्हें इनविटेशन दिया है और इस 2 दिन के विज़िट में वो ढाका जाएंगे, जहां पे 3 इवेंट्स होने वाली है, जिसमें मुजीब बोर्सो का बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाएगा. इस तरह से बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं, 3 इवेंट्स होंगे जिससे अटेंड करेंगे वो बांग्लादेश में. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. The Competition Commission of India has ordered an investigation into which messaging apps updated privacy policy. Competition Commission जो है इंडिया की, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन चालू किया है किस मैसेजिंग ऐप के प्राइवेट पॉलिसी के ऊपर. किस मैसेजिंग ऐप के प्राइवेट पॉलिसी पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया गया है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से. सो हेयर आर द ऑप्शंस: व्हाट्सएप, हाइक, Instagram, Snapchat. So here the correct answer is WhatsApp. The Competition Commission of India (CCI) has ordered its investigation arm Director General to conduct a detailed investigation into WhatsApp's newly updated privacy policy and terms of services and submit a report within 60 days. Competition Commission of India ने WhatsApp को order दिया है कि उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होगा कि आखिर उनका जो ये न्यूली अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी है वो किस हिसाब से है, इसमें क्या क्या सर्विसेज हैं और क्या क्या प्राइवेसी लीक हो सकती है, और इसका रिपोर्ट उन्हें 60 दिन में सबमिट करने को कहा गया है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. व्हेन विल भारत बंद बी ऑब्जर्व्ड? भारत बंद कब होगा? सो हेयर आर द ऑप्शंस: मार्च 26th, March 27th, March 28th, March 29th. So here the correct answer is March 26th. The Samyukta Kisan Morcha, a coalition of farmers union, has called for Bharat Bandh on March 26, 2021. The coalition has appealed the people to make the countrywide strike a success. पूरे देश में आज बंद है, भारत बंद है, और ये भारत बंद किस लिए है? संयुक्त किसान मोर्चा, किसानों ने मिलकर संयुक्त किसान मोर्चा बनाया है और इसलिए किसान चाहते हैं कि 26 मार्च को पूरी तरह से भारत बंद हो और उनका ये स्ट्राइक सक्सेसफुल हो. तो इसके लिए उन्होंने लोगों से प्रार्थना की है कि सभी मिलकर इस स्ट्राइक को सक्सेसफुल बनाए और आज के लिए सब कुछ को बंद कर दिया गया है. ओके, so now next question, question number 4. ग्राम उजाला स्कीम किस राज्य में 24 मार्च को शुरू की गई है? द ग्राम उजाला स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट ऑन मार्च 24th? सो हेयर आर द 4 ऑप्शंस: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज Uttar Pradesh, the Union Power and Renewable Energy Minister R.K. Singh on March 24, 2021 launched the Gram Ujala Scheme in the Lok Sabha constituency of PM Modi, Varanasi. Under the scheme, the government offers the world's cheapest LED bulbs in rural areas at ₹10. सो यूनियन पावर और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आरके सिंह ने 24 मार्च 2021 को ग्राम उजाला स्कीम उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है और वाराणसी में लॉन्च किया है लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी के अंडर। और इस स्कीम के तहत जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी गांव में लोग हैं, रूरल एरियाज़ में जो भी रहते हैं, उन सभी को सस्ते बल्ब सिर्फ और सिर्फ ₹10 में दिए जाएंगे। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच नेशन लॉन्च्ड 38 foreign satellites in a historic mission on March 22nd. 22 मार्च को किस देश ने 38 foreign satellite launch किया है, जो कि एक historic mission बन जाता है? So here are the options: France, India, Japan, Russia. So here the correct answer is Russia. In a historic mission, Russia launched 38 foreign satellites on March 22, 2021 aboard the Soyuz 2.1A launch vehicle from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan. The satellite belonged to 18 different countries including South Korea, Japan, Canada, Saudi Arabia, Germany, Italy and Brazil. ओके, सो एक हिस्टोरिक मिशन पे रशिया ने 38 फॉरेन सैटेलाइट लॉन्च किया है 22 मार्च 2021 को, और लॉन्च करने वाले रॉकेट का नाम था सोयूज 2.1A। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया? बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम, जो कि कजाकिस्तान में है। और इसमें 18 देश थे, जिनमें से कुछ देश हैं साउथ कोरिया, जापान, कनाडा, सऊदी अरेबिया, जर्मनी, इटाली एंड ब्राज़ील। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच नेशन इंडिजीनियसली डेवलप्ड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट चैलेंज 1? किस देश ने अपनी पहली सैटेलाइट चैलेंज 1 को डेवलप किया है? सो हेयर आर द ऑप्शंस: टर्की, इजराइल, ट्यूनिशिया, आर्मेनिया। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ट्यूनिशिया। रशिया लॉन्च 38 फॉरेन सैटेलाइट्स ऑन मार्च 22, 2021 and Challenge 1 satellite was also among the 38 satellite. The satellite is the first one to be made completely in Tunisia. हाल में ही रशिया ने 38 फॉरेन सैटेलाइट्स 22 मार्च को लॉन्च किया है सोयूज 2.1A रॉकेट से, जो कि कजाकिस्तान के बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया। और इसमें से ही एक सैटेलाइट था चैलेंज 1 सैटेलाइट। इन 38 सैटेलाइट में से एक सैटेलाइट था चैलेंज 1 सैटेलाइट, और ये सैटेलाइट फर्स्ट सैटेलाइट है जो कि पूरी तरह से ट्यूनिशिया में बनाया गया। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नासा क्यूरियोसिटी रोवर शेयर्ड अ वीडियो ऑफ अर्थ लाइक क्लाउड्स पासिंग ओवर विच प्लैनेट? नासा ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें कि अर्थ की तरह ही प्लैनेट के पास से बादल गुजर रहे हैं। तो ये किस प्लैनेट का वीडियो उन्होंने शेयर किया है? सो हेयर आर द ऑप्शन: सैटर्न, जुपिटर, मार्स, वेनस। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज मार्स। नासा's क्यूरियोसिटी रोवर has shared stunning video footage of Earth-like clouds passing over Mars. The video was shot by the navigation cameras attached to the top of the car-sized rover, which landed on the red planet in August 2012. Okay, so NASA के Curiosity rover ने एक बहुत ही सुंदर सा वीडियो फुटेज शेयर किया है जिसमें कि अर्थ की तरह ही मार्स के सामने से क्लाउड्स पास हो रहे हैं। और ये वीडियो नेविगेशन कैमरा से लिया गया है, जो कि कार साइज्ड रोवर के ऊपर में टॉप पे अटैच था, जो कि रेड प्लैनेट पे अगस्त 2012 को लैंड किया था, और इससे ही ये फुटेज लिया गया है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नेम द विनर ऑफ व्यास सम्मान 2020। व्यास सम्मान 2020 के विजेता कौन है? सो हेयर आर द ऑप्शन: शरद पगारे, गोविंद मिश्रा, सुनीता जैन, Amarkant. So here the correct answer is Sharad Pagare. Well-known Hindi writer Professor Sharad Pagare has been chosen to be conferred with the prestigious Vyas Samman for the year 2020. He will be awarded the 31st Vyas Samman for his novel Patleeputr ki Samraggi. एक बहुत ही अच्छे हिंदी के लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को व्यास सम्मान दिया गया 2020 का, और इनके लिए ये 31वां व्यास सम्मान था जो कि इनके नॉवल पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए इन्हें मिला था. So now next question, question number 9. What is the projected GDP growth of India for fiscal 2021-22 as per the Fitch Ratings? Fitch Ratings के according 2021-22 का GDP growth rate भारत का कितना है? So here are the options: 9.2%, 10.1%, 11.5%, 12.8%. So here the correct answer is 12.8%. American credit rating agency Fitch has revised India's GDP growth estimate for the fiscal 2021-22 to 12.8% from its previous estimate of 11% in its latest global economic outlook. अभी जो latest global economic outlook है उसमें इसके पिछले एस्टीमेट जो कि 11% था उससे अभी 2021-22 में ये 12.8% बन गया है जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया का. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन and today's last question is question number 10. Which state has launched India's first government-run ambulance network for animals to boost the animal husbandry and veterinary sector? किस राज्य ने भारत का सबसे पहला सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क स्टार्ट किया जिससे कि एनिमल हस्बेंड्री और वेटरनरी सेक्टर को बूस्टअप मिल सके? सो हेयर आर द ऑप्शंस: राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश. The Andhra Pradesh government under the leadership of Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy has decided to set up India's first government-run ambulance network for animals in a move to boost the animal husbandry and veterinary sector in the state. Andhra Pradesh की सरकार Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy ने भारत में सबसे पहला रन एम्बुलेंस नेटवर्क स्टार्ट किया है एनिमल्स के लिए जिससे कि एनिमल हस्बेंड्री और वेटरनरी सेक्टर को बूस्टअप मिल सके. ओके, सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. Subscribe our TrustLogics tutorial YouTube channel to get more informative and useful videos regularly. So thank you and have a nice day ahead.